चलिए यूक्रेन से पहले ज़रा सबसे पहले बात कर लें, जो यूक्रेन जो है उसकी क्या स्थिति है, क्या नहीं है, वहाँ से भारतीयों को जो निकाला जा रहा है उसको भी देख लें। तो आइए ज़रा देखें क्या स्थिति है अलग अलग जगहों पे, जो स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है यूक्रेन से, ज़रा पहले उनकी स्थिति देख लें। तो बच्चों को गोदी में उठा उठा के केंद्रीय मंत्री घूम रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्री, केंद्रीय मंत्री बच्चों को उठा उठा के घूम रहे हैं अपनी गोदी में। ये हालत हो गई है यूक्रेन से लोगों को निकालने में। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लोग समय पर निकले नहीं, क्योंकि लोगों ने समय पर एडवाइजरी को सीरियसली नहीं लिया। तो इस सब के बाद भारत में जब आए तब मंत्री जी फूल लेकर खड़े। अब जरा एटीट्यूड देखिएगा आप। एक मिनट फिर से भाई, नहीं बस हो गया, नहीं चाहिए फूल ले लो, नहीं चाहिए भाई, बड़ा एहसान किया। ओहो हो, ये वो हराम खोर हैं जिनको आप बचा कर लाए हो, ये वो लोग हैं जिन पर हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद किया गया है। जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री, और ये उनसे बहस करने भी चला गया, ये छोकरा जो वहाँ गया उनसे बहस करने भी चला गया। और ये भारत की वो तस्वीर है जिसको कि आप देखेंगे जब भारतीय सेना ने गरीब लोगों को बचाया। देखिए आप फर्क देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले इसको देखिए वीडियो को, ये देखिए पैर छू छू कर इन्होंने अपना वो प्रकट किया। ये देखिए इसके भी पैर छुए, तो ये फर्क है, मैंने आपको पहले भी बताया। मिडिल क्लास, खासकर जो मिडिल क्लास है या हल्का सा अपर मिडिल क्लास होने का प्रयास करता है, सबसे ज़्यादा गंदगी उसमें है, क्योंकि बच्चों को पाल ही नहीं पाए ये लोग, ये बच्चों को बता ही नहीं पाए क्या सही है क्या गलत है, ये पैसे कमाने में लगे रहे। और आलम यह है कि इनके बच्चों को इतने बदतमीज़ बच्चे मैं सच बता रहा हूँ मैंने आज तक नहीं देखे। इनके तो मुंह पर थूकने की भी इच्छा नहीं करती। ये बच्चे कहना इनको पाप होगा, खैर बच्चे तो है ही नहीं, खरे बुढ़े हैं, नालायक, बेशरम है, निकम्मे निगरट टाइप के लोग हैं, जो यहाँ बैठ के चरस पीते थे, जो ड्रग एडिक्ट थे, जो यहाँ कुछ नहीं कर पाए, अपने माँ बाप को झूठ बोल करके कि वहाँ से हम कर लेंगे, वहाँ से लौटने के बाद 10% भी पास नहीं हो पाता। अगर वहाँ पर भी पढ़ लेते ना सर तो यहाँ पर रिजल्ट अच्छा होता, तो 10% भी पास नहीं हो पाता। ये वो हैं जिनको बचा कर लाया जा रहा है, जिनके लिए हमारे इतने पैसे फूके जा रहे हैं, जिनके लिए पूरे मंत्री के मंत्री खड़े हैं केंद्रीय मंत्री फूल देते हुए। इनको फूल के नहीं, इनको लठ की ज़रूरत है, गलत फूल दिए जा रहे हैं। तो चलिए और देख लें ज़रा इनके एक से बढ़कर एक जो इनके कलाकार लोग जो हैं। हाथ जोड़े खड़े हैं मंत्री जी, कोई उनको देखने को तैयार नहीं है, आगे बढ़ गए, नमस्ते भी नहीं कि हमें बचा लाए, हराम में बचा लाए, हमारी जान पे बनी थी। इतने निकृष्ट हैं ये, और आप कहते हो ये डॉक्टर हैं इलाज करेंगे यहाँ के, हैं ये डॉक्टर हैं इलाज करेंगे, आपको लगता है ऐसे महानिकृष्ट महासुअर टाइप के लोग, इनसे उम्मीद करेंगे हम ये हमारे लोगों का इलाज करेंगे? ये वो लोग हैं जो चमड़ी उधेड़ लेंगे अगर गलती से इनको लाइसेंस मिल गया भारत में। तो मैं तो कहता हूँ यूक्रेन के या बाहर से पढ़े हुए आदमी को भारत में लाइसेंस मिलना ही नहीं चाहिए, जिसने भारत से MBBS किया वही भारत में प्रैक्टिस करेगा, खत्म, बंद करना चाहिए। तो साहब बड़ा दुख हुआ है इन चीज़ों को देखकर, इन्हें बच्चे नहीं कहा जाता, ये महानिकृष्ट टाइप के लोग हैं, महानीच, ये इनकी स्थिति है, बहुत ही बेशरम टाइप के लोग। और कुछ बेशरम हमारे यहाँ भी होते हैं जिनको रोज़ बताना पड़ता है लाइक करना है, मतलब चालू होने के बाद फिर से बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है, ऐसा ना हो, ठीक है ना। ये स्थिति उत्पन्न कर दी उन्होंने, खैर भारत की क्या स्थिति जरा उसको देख लें, समझ लें। मैं कैप्टन राधिका मेनन हूँ, इंडिया के फर्स्ट मर्चेंट नेवी कैप्टन एंड फर्स्ट वुमन टू विन IMO अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी 2016। आफ्टर यू हैव कम इन टू पावर देर इज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मैरिटाइम फील्ड एंड लॉट ऑफ इनलैंड वाटरवेज and a lot of encouragement and I would like to share one of my experience with you. मैं जहाज लेके सारे दुनिया घूमी हूँ and what I जब भी मैं चाइना पाकिस्तान या कोई ऐसे देश जाती हूँ जहाँ हमारे से अच्छे टर्म्स में नहीं है, they always tell me you have a very strong leader. I have ना
पाकिस्तान या कोई ऐसे देश जाती हूँ जहाँ हमारे से अच्छे टर्म्स में नहीं है, दे ऑलवेज टेल मी यू हैव अ वेरी स्ट्रांग लीडर. अभी मैं चाइना पाकिस्तान या कोई ऐसे देश जाती हूँ जहाँ हमारे से अच्छे टर्म्स में नहीं है, दे ऑलवेज टेल मी यू हैव अ वेरी स्ट्रांग लीडर. आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट इट एंड वेरी प्राउड ऑफ यू. मैं तो ये है साहब जो पूरी दुनिया घूमे और कहती हैं कि जब मैं अपना जहाज़ लेकर जाती हूँ तो जिनसे हमारे अच्छे रिलेशन नहीं हैं, चाइना हो पाकिस्तान हो, वो सारे लोग एक ही चीज़ बोलते हैं जब भी मिलते हैं पाकिस्तानी या चाइनीज़, तो कहते हैं कि आपके पास में एक बहुत स्ट्रांग लीडर है. स्ट्रांग लीडर ही इनको निकाल कर ला रहा है और ये निकम्मे नाकारे निकृष्ट लोग, नमस्ते करने में भी इनको दिक्कत है. कमाल के लोग हैं. चलिए खैर, आज कुछ सीरीज ऑफ ट्वीट्स हैं, जरा पहले उनको दिखा दें पीएमओ की तरफ से. जन औषधि केंद्र तन को औषधि देते हैं, मन की चिंता को कम करने वाली भी औषधि है और धन को बचाकर जन जन को राहत देने वाला केंद्र भी है. दवा का पर्चा हाथ में आने के बाद लोगों के मन में जो आशंका होती थी कि पता नहीं कितना पैसा दवा में खर्च होगा, वो चिंता कम हुई है. जन औषधि केंद्र के बारे में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये जो एकदम से जो महंगी दवाइयाँ होती थी, आदमी चिंता में पड़ जाता, दवा कहीं में सच है कि गरीब आदमी चिंता में पड़ जाता था कि मैं इतनी दवाई खरीद भी पाऊंगा या नहीं खरीद पाऊंगा. आज देश में 18,500 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं. ये केंद्र अब केवल सरकारी स्टोर नहीं बल्कि सामान्य मानवीय के लिए समाधान केंद्र बन गए. इसमें कोई दो राय नहीं है. बहुत शानदार इनिशिएटिव है. बल्कि मैं तो कहता हूँ सरकार को एक मिनी मॉल टाइप खोलना चाहिए जिसमें जन औषधि केंद्र से लेकर तमाम सारी चीज़ें हों. आधार कार्ड बनना है, सरकार की सारी स्कीम्स वहाँ पर होनी चाहिए, कंप्यूटर वाले भी बैठे हो, सब कुछ एक ही जगह होना चाहिए. दैट विल बी वेरी इजी कि उधर जाना है और उधर सारा काम हो जाएगा. एंड इट शुड बी डन ऑन अ पीपीपी मोड, एजेंसी टाइप देना जैसा अभी सरकार कर रही है. हमारी सरकार ने कैंसर, टीबी, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमत को भी नियंत्रित किया है जो अनस्टंट रेट में थी. सरकार ने भी सुनिश्चित किया है स्टंट लगाने और नी इम्प्लांट की कीमत भी नियंत्रित रहे. तो स्टंट लगाने की जो पहले अनस्टंट कीमत थी उसको भी जो है अब वो कर दिया गया. तो साहब ये स्थिति है. गूगल रिस्ट्रिक्टेड टू पे यू. प्रोफेसर साहब क्या करूँ, गूगल बहुत मेहरबान है तो गूगल पे से कर लीजिए. मेरे ख्याल से वो शायद सही चल रहा होगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं. चलिए पहले थोड़ा आगे और ले लेता हूँ. इनफ अबाउट अनग्रेटफुल एसओबीज. चलिए अब इसके बाद सबसे बड़ी खबर और आज की बहुत बड़ी खबर है वो ये रही आपके सामने. कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा, यानी आपको और हमारे बच्चों को. हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी. यानी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो खुल गए हैं, जो धंधे का जो एक उन्होंने वो खोल लिया, उस पर अब लगाम लग गई है. 50% सीट जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की उनको अलग कर दिया गया है. सरकारी कॉलेज की फीस लगेगी, सिर्फ गवर्नमेंट जो कॉलेज की फीस है वही फीस लगेगी. प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा ये. लेकिन इन निकम्मे नाकारे जो ये बच्चे हैं, बच्चे जिनको कहा जा रहा है जो ढूंठ हैं, जो ढेड़ हैं, इनको शायद ये भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि निकम्मे फिर भी नहीं पढ़ेंगे. ये वही लोग हैं नशा करने वाले जो पढ़ नहीं पाते, नशा करते करते इनकी ज़िंदगी निकलती है. तो ये क्या पढ़ेंगे, इनसे क्या उम्मीद की जाए, ये 50 इसमें भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है ना. भाई भीम UPI का भी ऑप्शन दे. भाई भीम UPI ऑलरेडी है दादा, 8770720196 सब पर है भीम UPI, है ना. nshuklain@nshuklain.upi वो भी है भीम UPI, है ना. तो क्लियर है. तो ये प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला. अब जो लोग आए हैं क्या सारे के सारे ऐसे ही ना लाए. मैं सरकार की बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं जिन चीजों से गुजरी मेरे. तो क्या सबके सब ऐसे ही ना लाए के? या फिर कुछ ढंग के लोग भी हैं इसमें को उन हालातों में नहीं समझ, जरा वो भी देख लें. हद दर्जे की नालायक को स्टूडेंट्स के रूप में वापस लाया गया, लानत है. हाँ अभिजीत जी बिल्कुल हद दर्जे के नालायक है. पीएम मोदी आपको सैल्यूट है कि एक तो आपने इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन गंगा जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स को आपने रेस्क्यू करवाया, और इतनी हिम्मत सिर्फ आप में है कि आपने पुतिन से बात कर, प्रेसिडेंट पुतिन से बात कर, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, बातें हवाएं करते हैं, सारी ख्याली पुलाव बनाते हैं. बस दम है तो इंडिया में ही फ्लैग ही अपना. मोदी है तो मुमकिन तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको मालूम है, जिनको पता है कि वाकई में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया. कोई दूसरा तो बात भी नहीं कर पा रहा सच्चा, ये कोई पुतिन से बात भी नहीं कर पा रहा था. ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से
चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें दो एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी